दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टॉक निकाले, उस स्टॉक के बारे में आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि शुक्रवार और सोमवार के दिन कुछ स्टॉक के अंदर क्या हरकत हो सकती है और कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी मिल सकती है, और इसकी वजह भी सिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर NSE का जो मैंने डेटा निकाला है और यहाँ पे टॉप लूजर में गया, तब जाके सारे स्टॉक पे मेरी नजर पड़ी। तो ये सभी के सभी स्टॉक ने डबल बॉटम रिटेस्ट किया है, यानी हायर देने के बाद में जो लोअर जहाँ से उड़ा था वहीं पर सपोर्ट लिया है, और वो सपोर्ट है ना, जेन्युइन सपोर्ट होता है वहां पर। लेकिन उस सपोर्ट के ऊपर वजह मैं आपको देना चाहता हूँ। देखो, कोई भी स्टॉक के अंदर स्टोरी होती है, बिना स्टोरी और बिना वजह कभी भी कोई भी स्टॉक में गिरावट और हायर लोअर दी नहीं जाती। स्टोरी सभी में होती है। स्टोरी का मतलब क्या हुआ कि स्टोरी में आपको सुनाता हूँ, ये अगर समझोगे ना तो ये स्टोरी का सार आप समझ पाओगे। अभी मान लो कि विप्रो जो है ना, जिसने बहुत ही चालाकी से कि भैया 424 का प्रीमियम, यहाँ पर जिस रिटेलर ने 422 का, 424 का प्रीमियम ये सोचकर अगले महीने की एक्सपायरी का जिसने भी बाय किया है, स्टोरी का सारा आपको समझा रहा हूँ, जिसने भी नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ का प्रीमियम बाय किया है, 420 का बाय किया है, 400 का बाय किया है, जिसने भी जो भी प्रीमियम बाय किया है, तो कंपनी क्या करती है या मार्केट क्या करता है, जो डिमांड सप्लाई जोन हो गई क्या करता है, तो उन लोगों का सारा प्रीमियम जो होता है वो प्रीमियम वो लोग डीके कर देते हैं। डीके का मतलब, अभी कॉल प्रोवाइडर का काम क्या है कि कॉल प्रोवाइड करना है। जैसे भैया यहाँ से सपोर्ट लिया तो सी लो, सी में कमाओ। अब मेन चीज क्या है, रिटेलर जो है ना, रिटेलर को कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। वो लोग क्या करते हैं पता है, कुछ लोग जो बहुत होशियार होते हैं वो रजिस्टेंस की स्ट्राइक अगले महीने की बाई कर लेते हैं, नेक्स्ट महीने की, और कुछ लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते तो स्पॉट को बाय कर ले। स्पॉट के प्रीमियम के होते हैं, हालत क्या होती है स्पॉट की, प्रीमियम के प्रीमियम अगर मान लो यहाँ पर आ भी गया ना, तो स्पॉट का प्रीमियम जो है ऊपर नहीं आता, बिकॉज कि वो प्रीमियम यहाँ पर डिके हो गया, वो प्रीमियम स्पॉट का प्रीमियम यहाँ पर डिके हो गया। अब डिके होने के बाद में क्या होता है, ये जो सारे प्रीमियम है वो सेलर्स है ना, वो सारे के सारे सेलर्स यहाँ के प्रीमियम बाय कर लेते हैं, यहाँ के प्रीमियम बाय कर देते हैं। बिकॉज विप्रो जो है वो ऐसी कंपनियां है जो FNO में रजिस्टर है। FNO में क्या होता है कि अगर मान लो 5 रुपया भी विप्रो अगर घूमता है ऊपर की तरफ तो 25,000 मुनाफा हो जाता है, यहाँ विप्रो के अंदर 5 रुपया भी घूमता है मान लो ऊपर जाता है तो 25,000 मुनाफा होता है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉट साइज पर डिपेंड होता है। तो कहने का मतलब कि अगर मान लो वही 5 रुपया अगर गिर गया, वही 5 रुपया अगर गिर गया, मान लो ये 409 से 377 पर आ गया, तो भैया लोगों को तो 2 से 2.5 लाख का नुकसान हो गया लॉट साइज के हिसाब से। कोई कोई लोग तो 3-3 लाख के लॉस भी पड़े होंगे यहाँ पे खड़े हुए, उम्मीद उम्मीद से खड़े होंगे कि यार मुझे नुकसान में से मुझे फायदा होगा। देखो, मैं वजह दिखा रहा हूँ, मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। मैं यहाँ पे अगर ये वजह नहीं समझ में आई ना, तो समझ लो मार्केट में आज कमा लिया ये वीडियो देखकर, लेकिन कल नहीं कमा पाओ। वजह मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक ही चीज है कि अब क्या करेंगे, तो रिटेलर्स जो है उन्हें यहाँ निकल जाना पड़ेगा बार बार, ये रजिस्ट्रेशन जोन है, इस रजिस्ट्रेशन जोन में निकल जाना पड़ेगा। 400 का रजिस्ट्रेंस है, 399 का रजिस्ट्रेंस है, तो यहाँ तक की डिमांड निकलने वाली है। ये डिमांड जोन, ये पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा ये सप्लाई जोन है। मैं आपको जोन के बारे में सिखाता हूँ कि जोन जो है वो किस तरह से डिसाइड होते हैं। तो ये पूरा सप्लाई जोन है, 397 का जो प्रीमियम है यहाँ पर जो भी लेगा वो सप्लाई जोन होगा। वो सप्लाई जोन पे जैसे मार्केट जाएगा तुरंत सेलिंग होगा, तुरंत ही सेलिंग होगा। यानी यहाँ पे जैसे जैसे आप एंट्री लेते हो ना, ये यहाँ पे दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में चला जाएगा मार्केट ऊपर। और जैसे नए नए रिटेलर्स यहाँ से एंट्री लेंगे तो वापिस से मार्केट नीचे आ जाएगा, 382 पे आ जाएगा। और फिलहाल कहाँ पे क्लोज है ये मार्केट, इसका फिलहाल क्लोज है 380 का। यानी शुक्रवार को ओपनिंग भैया इसका सी में होना था, ये नीचे ओपन नहीं हुआ, ये ऊपर ही ओपन होगा, देख लो। क्योंकि उसकी यहाँ पर है साइकोलॉजी कि ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट से नीचे ही जा रहा था बार बार। अब लोगों को ये नहीं पता है कि इसे कहते हैं ब्रेकआउट, और लोग लेके बैठे हैं पुट इसके अंदर।
लोगों को ये नहीं पता है कि इसके अंदर इसे ब्रेकआउट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ब्रेकआउट कहते हैं। जब कोई कॉल प्रोवाइडर यहाँ से बस 387 बाय करो, बाय में एंट्री लोगों में आपको कमा के दे, तो ऐसे कॉल प्रोवाइडर लोग बैठे होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं पता है, उनके ही प्रीमियम को नीचे करो, उनकी बात को झूठी बना देते हैं। यानी ये पूरा डिमांड जोन जो है पूरा सप्लाई जोन बन जाता है, इस तरह से ब्रेकआउट की खरीद करीब आ जाता है। अब विप्रो में किसी ने BTST का कॉल लिया है तो उसे मुनाफा 100% मिलेगा, लेकिन इमोशनली अगर कोई बंदा यहाँ पे एंट्री लेता है तो उससे यहाँ पे उसकी SL ट्रिगर होने वाली है। इस जगह पे उसकी SL ट्रिगर हो जाएगी, वापिस से ये सपोर्ट पे वापिस रिट्रेस कर सकता है, या तो सपोर्ट पे रिट्रेस ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका जो उसका जो जोन है वो आखिर में यहाँ पे जोन है, टारगेट जो है वो यहाँ पर। तो कहने का मतलब कि 397 रुपये अगर आप प्रॉपर बुक नहीं करते हो तो आपका जो प्रीमियम है वो वापिस लो हो जाएगा। यानी सेलर्स क्या करता है, सेलर्स आप जो भी खड़े हो वहां पर और आप एवरेज बना रहे हो, आप 424 पे खड़े हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं और पैसा डाल दूंगा मैं तो मैं कुछ लॉस रिकवर करूंगा, लेकिन खड़े रहने की जो गंदी आदत होती है ना, वो लॉस में से प्रॉफिट नीचे के कॉल से तो मिल जाता है लेकिन वो वापिस लॉस में डबल बॉटम में आ जाता है, बिकॉज कि ये क्रॉस चैनल का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। और ये जो वीक दिखाई दे रहा है ना आपको, वीक, ये वीक का मतलब ये है कि ये SL खाने के लिए वापिस नीचे आएगा इस तरह से। यानी SL का पूरा एरिया, ये पूरा SL का एरिया है। तो इस SL के एरिया को जब ऊपर जाता है, दिन के उजाले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अंधेरे की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा पूरा नीचे पूरा ये SL एरिया है। तो ये भी एक SL एरिया है कि यहाँ पे 374 पर भी एक बार कुछ भी हो जाए उनको SL खानी है, यानी खानी है। यानी ये जो है ना, ये ब्रेकडाउन जोन है नीचे का, ये ब्रेकडाउन जोन है नीचे का, और ये ऊपर का रजिस्ट्रेशन जोन है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी है। और कुछ भी हो जाए यहाँ पे, एक बार अगर मान लो SL ले लेता है ना सबकी, एक बार मान लो ये SL ले लेता है ना यहाँ पे दिन के उजाले के अंदर, मान लो कि भी आप सी ले रहे हो और SL एड कर दी यहाँ पे, आप सी ले रहे हो और SL एड कर दी, तो यहाँ पे वापिस से एक नई डिमांड जोन शुरू होगी और डिमांड जोन जाएगी, जो प्रीमियम था वही वापिस हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज के नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम में एक चीज होती है कि वहां पे टाइम वैल्यू पे होती है, और टाइम वैल्यू पे के होने की वजह से वो प्रीमियम जो है पावर के साथ वापस ऊपर चला आता है। लेकिन स्पॉट का अगर किसी ने प्रीमियम भी यहाँ पे प्रॉपर बुकिंग नहीं किया तो उसका प्रीमियम वापस नीचे चला जाएगा। ये होता है मेरा कहानी का सार। इसलिए मैं पहले ही कहता हूँ कि अगर मान लो आप विप्रो लेकर चल रहे हो तो आपका जो डिमांड जोन ये है, आपका सप्लाई जोन ये है, आपका जो प्रॉफिट बुकिंग जो पॉइंट है वहाँ पे 498 का पॉइंट है, लेकिन वो नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर, लेकिन जो 424 के जिन्होंने प्रीमियम बाय किए, 436 के जिन्होंने बाय किए, इनको तो भैया बहुत इंतजार करना पड़ेगा, यानी लॉस पहले देखना पड़ेगा इनको, तब जाके इनको मुनाफा मिलेगा। ऐसा नहीं कहता हूँ कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, विप्रो का जाने वाला है, लेकिन चाबुक मार मार के ऊपर जाने वाला। ओवरबॉट रजिस्ट्रेशन जो है इसके, वो यहाँ तक के रजिस्ट्रेशन से 412 तक के ओवरबॉट रजिस्ट्रेशन से, और 415 जो है ना इसका सपोर्ट है, इसका सपोर्ट है, सेलर्स का सपोर्ट है। तो ये सेलर्स के सपोर्ट के ऊपर के वापिस से टारगेट है। लेकिन मैंने ऐसे ही कहा कि जो चाबुक मारने की आदत है ना, वो चाबुक मारने की असल उसके बाद में यहाँ पे बनने वाली है, चाबुक मारने। यानी ये नया डिमांड जोन बन गया एक बार समझ लो, तो यहाँ से बाइंग आई तो यहाँ पे वापिस रिट्रेस करने के लिए आएगा, उसके बाद में 424 का रिट्रेसमेंट ऊपर का पड़ा हुआ, तो सीधा 424 पर नहीं जाता है ये चाबुक मार मार के 424 पर जाता है। ये जोन को बाकी रखते एकदम से नहीं करते, ये 411 411 दो बार रिटेस, 415 एक बार रिटेस, उसके बाद में वापिस लोअर, यानी दूसरी प्रॉपर्ट बुकिंग आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम की यहाँ पे मिलने वाली है। तो 9 मिनट के प्रीमियम की, 9 मिनट के वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कहानी बताई है और कहानी को समझाया है कि आप 424 का प्रीमियम अभी सभी से बाय करोगे, 400 का प्रीमियम अभी से बाय करोगे, तो आपको तो भैया एक है मैथमेटिक्स के बारे में अगर बता दूं कि प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है। अगर आप 400 का प्रीमियम बाय कर रहे हो तो वो आपको नीचे का 400 दिखा देगा, तो नीचे का 400 कहाँ पर है, तो 373 का लो जो है ना, 373.60, 373.60 जो होती है ना, वो नीचे के 400 की अंडर वैल्यू असेट्स होती है, जिसे कहते हैं कि कॉल के प्रीमियम को अंडर ऐसे एसेट्स वैल्यू कर देना और पुट में डाल देना, यानी लोग पुट में एंट्री लेंगे और वापिस से कॉल कर देगा, यानी लॉन्ग करना फिर वापिस शॉर्ट करना, और शॉर्ट करने के बाद में सारे ऊपर के प्रीमियम को, 436 तक के प्रीमियम को बाय कर लेना और
और वही प्रीमियम को धीरे 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 436 तक 455 तक ले जाना। ये इनका मैनिपुलेटिंग सिस्टम होता है मार्केट के अंदर। तो आशा रखता हूँ कि ये इसके साथ में आप टेक महिंद्रा का भी देख सकते हो, महिंद्रा महिंद्रा का भी देख सकते हो। तो एक थोड़ा सा मैं वीडियो और बनाना चाहूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा या टेक महिंद्रा। चलो टेक महिंद्रा पे थोड़ा अपडेट दे देता हूँ, टेक महिंद्रा बराबर। तो एक वीडियो के अंदर आपको दो अगर मान लो देखनी है, अपडेट देखनी है, तो उसके लिए भैया वीडियो तो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। बिना वीडियो पूरी देखे तो ज्ञान नहीं आने वाला ही। अब इसका जो जेन्युइन सपोर्ट पॉइंट है ना, वो ये पॉइंट है 1089, और इसका एसएल ट्रिगर पॉइंट जो है ये वाला है जो 1083.375। सिमिलरिटी सेम कहानी है यहाँ पे। यहाँ तक का शॉर्ट्स हमें लेकर चलना है, यहाँ तक का शॉर्ट्स। अगर आपको शॉर्ट्स नहीं लेनी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट्स मत लो। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर आया तो आप डिमांड में खड़े रह जाओ, बिकॉज कि यहाँ से डिमांड होने वाली है और वो डिमांड का पॉइंट है ना यहाँ तक का है। सिमिलरली सेम कहानी है वही कि प्रीमियम को डिके करते हैं, तो प्रीमियम को डिके करने का ना, आप अगर मान लो यहाँ पे पुट लेके बैठे हो तो मार्केट ओपन हो जाएगा यहाँ पर। देख लो, अगर मान लो आप मार्केट में पुट लेकर बैठे हो ना इसकी, तो मार्केट ओपन हो जाएगा यहाँ पर, आपकी एसएल खा जाएगा। और एसएल खाने के बाद में ये 1136 का जो टारगेट है इसका, ये अचीव करने के बाद में ये लोग सोचेंगे कि भैया यहाँ से हमें नीचे आना है। ये इसका एक पॉइंट इसने बाकी रखा हुआ है, ये रेजिस्टेंस से क्रॉस नहीं कर रहा था इसलिए तो यहाँ से उड़ा। और ये जो डबल बॉटम है ना, ये डबल बॉटम देने वाला, और यहाँ से लोगों ने पुट बाय करके रखी थी, पुट बाय करके रखी। अब पुट जो लोग यहाँ से बाय करके रखते रहे तो मार्केट क्या करता है, एक चाल पलट देता है, अचानक डेटा प्लस कर देता है, अचानक 1135 को लेके जाता है, ताकि जो लोग टेक महिंद्रा के अंदर बेरिश ट्रेंड समझ के रखे तो वो बुलिश हो जाएगा अचानक, यानी नेचुरल या अनवाइंडिंग में से सीधा सीधा बुलिश में आ जाए। तो यहाँ पे सबकी एसएल ट्रिगर होने वाली है, बिकॉज कि ये जोन के बाद में वापिस से नेचुरल में से वो आ गया शॉर्ट कवरिंग। तो ये डेटा जरा रिवर्स मुझे दिखा रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसके बारे में इस तरह से बात की है। आपका ओवरबॉट जोन जो है वो 1140 तक का ओवरबॉट जोन है यहाँ पर, और इसके बाद में मार्केट थकान वगैरह पाकर इतना सारा रजिस्ट्रेशन देने के बाद में तय करेंगे कि भैया अब है ना, अब कुछ करेंगे। तो यानी कुछ का मतलब क्या करेंगे, अब अपने सप्लाई जोन की तरफ जाते, यानी एक जो होता है ये सप्लाई जोन होता है ना, ये पूरा सप्लाई जोन, ये बन जाता है डिमांड जोन। सप्लाई जोन है पूरा और ये बन गया डिमांड जोन। अब जिस तरह से मार्केट वापस ऊपर जाता है तो लोगों को लगता है शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग, तो यहाँ से वापस से हो जाती है सेलिंग शुरू। तो सेलिंग शुरू हो जाती है यहाँ से। अब नया नया बेचारा जो एंट्री लेता है ना मार्केट के अंदर, वो समझ ही नहीं पाता है कि यार मैं ले रहा हूँ पुट और हो रही कॉल, और मैं जब ले रहा हूँ पुट वो कॉल तो हो रही है पुट। तो उसके बाद में ये मार्केट डबल बॉटम सपोर्ट के लिए, ट्रिपल बॉटम सपोर्ट के लिए यहाँ पे आएगा, और उसके बाद में इस सपोर्ट तक रिट्रेस करेगा। यानी फ्यूचर की जो कॉल चल रही है यहाँ पे, वो उल्टी चल रही है इस कॉल के अंदर, कि इस चार्ट को मैं उल्टा करूंगा तो ये चार्ट इस तरह से दिखाई देगा कि इसकी एसएल यहाँ पर पड़ी है पुट की एसएल, उसके बाद में पुट का ब्रेकआउट पड़ा हुआ है। तो देख लो इस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं ये लोग, तो ये चैनल इस तरह से बनाई इन लोगों ने, इस तरह चैनल को टेक महिंद्रा की। तो दोनों के दोनों कॉन्ट्रास्ट में ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, और दोनों के मैं आपको एजुकेशन पर्पज जो है चार्ट दिखा रहा हूँ, वो भी है कॉन्ट्रास्ट में दिखा रहा हूँ। और ये जो है यहाँ का सपोर्ट है क्रॉस चैनल का, तो ये क्रॉस चैनल के सपोर्ट से वापिस यहाँ से बाइंग आने वाली है। लेकिन एक चीज ये बता दूं कि यहाँ से नॉर्मल जो बाइंग आने वाली है, उसकी डबल बॉटम की डबल टॉप की आने वाली है, यहाँ तक की आएगी। उसके बाद में वापिस से वही चीज के मार्केट इसका नीचे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो साइकोलॉजी के बारे में बताया हमें कि एसएल ट्रिगर यहाँ पे होने वाली है किनकी, जो लोग कॉल में खड़े उनकी। लेकिन कॉल में इमीडिएट जो एंट्री लेगा इस पुट का लोअर के लिए, उसे यहाँ तक का हायर 100% उसको मिलेगा। तो 1142 तक का मेरा जो रजिस्ट्रेंस है, ये आप सोमवार को हिट होते हुए देख सकते हो, और विप्रो का जो मैंने बताया वो आप देख सकते हो। तो ये अगर दोनों के दोनों ट्रेड मेरे सही होते हैं ना, तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दूसरी चीज है कि हम लोग डीमैट ओपन करते हैं, जहां पर ब्रोकरेज जो है ना 1 महीना फ्री है, तो उसकी लिंक मैंने ना पेटीएम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 1 महीने के बाद में भी अगर मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हमारे साथ जुड़कर नॉलेज शेयर करना चाहते हो और नॉलेज की साइकोलॉजी समझना चाहते हो कि वजह क्या है, तो वजह क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर वजह समझना नहीं आती है चार्ट पैटर्न के अंदर, तो समझ लो जो भी कमाया वो मार्केट वापस ले जाएगा। ये मार्केट का पैटर्न है, मार्केट का चक्रव्यूह जिसे कहते हैं। तो
जो 1 महीने के बाद में जो ब्रोकरेज जितने चाहे लौट लो 15 रुपये लगने वाले प्लस जीएसटी, और मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और जो भी कुछ सिखाता हूँ वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। तो हमारा जो एजुकेशन पर्पस कोर्स है ये ज्वाइन करोगी तो आपको एक्यूरेसी 100% ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, डीजीआई हो, ग्लोबल इंडेक्स हो या डॉलर हो, जो भी कुछ हो उसके अंदर आपको अपडेट मिलती रहेगी, क्रूड ऑयल के अंदर अपडेट मिलती रहेगी, गोल्ड में और मैक्स में सबको आपको मिलती रहेगी। आशा रखता हूँ सीख कर काम करोगे तो अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर महाभारत के अंदर एक पात्र था एकलव्य, एकलव्य ने बिना गुरु ज्ञान सीखने के लिए गया, प्रतिमा बना के अंगूठा गया, उसका मतलब ये है कि डिमेट साफ हो जाता है। दूसरी चीज है कि कर्ण ने भी सिमिलरिटी वही पैटर्न को यूज किया, तो कर्ण ने लास्ट मोमेंट के अंदर क्या किया, सारा का सारा ज्ञान उसका शून्य हो गया, श्राप था उसके ऊपर। और अर्जुन था वो धनुर्धर, कृष्ण के सहारे, कृष्ण के सब श्री कृष्ण के सपोर्ट से अर्जुन आगे बढ़ा। तो ये होता है, यानी गुरु हमारे जीवन में होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं, लेकिन वो जो सारे गुरु है जो मार्केट के मेंटर है जिनको साइकोलॉजी की पैटर्न समझ में आती है, उनसे आप ज्ञान जरूर लें। थैंक यू दुनिया, शुक्रिया, आभार। आशा रखता हूँ जुड़े और सीखे और काम करें। थैंक यू दुनिया, जय जय भारत।